जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग है? क्या धन प्राप्ति योग है? क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर अमीर बनने के योग हैं? क्या आपको अपने जीवन में अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने कोर्स किया है, जो भी आपने टेक्निकल पढ़ाई करी है या आपने कोई टेक्निकल स्किल हासिल करी है, क्या उसके अकॉर्डिंग जो आपने सपने देखे हैं, जो आपने आगे बड़ी बड़ी गाड़ी या बड़े मकान या बहुत अच्छे जीवन साथी के उसी के आधार पर सुख देखे हैं, सुख के सपने देखे हैं, क्या ये आपका सपना पूरा होगा या नहीं? इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न से पता चल जाता है कि इस इंसान के दिमाग में क्या रहेगा, इस इंसान का आत्मिक स्वभाव क्या है, ये जातक किस तरह से अपने जीवन के अंदर स्ट्रेटजी बनाएगा और कैसे ये जीवन में आगे बढ़ेगा। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि ऐसे जातक को जीवन के अंदर सफलता पाने की जो ललक है, जो कला है, वो किस हद तक रहेगी और क्या ये ऐसा है जैसा इसको होना चाहिए या ये किसी की कॉपी देख करके बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। इसी के आधार पर लग्न को देखा जाता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर लग्न का मालिक लग्न में ही बैठा हो, जैसे किसी जातक का वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न के मालिक हो गए शुक्रदेव, कारक हो गए बृहस्पति देव, और लग्न यानी कि क्योंकि जन्म कुंडली का पहला भाव है, ऊपर से हो गए मंगल देव। अगर ये तीनों जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हैं, विशेष तौर पे पहले तो शुक्रदेव लग्न में होने चाहिए, फिर बृहस्पति देव बहुत अच्छी स्थिति में हो, फिर मंगल देव भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा जातक जीवन में बहुत उच्च स्तर की सफलता पाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में शाम दाम दंड भेद अपनाने की कला रखता है और अपने काम हर किसी से निकलवाने के स्किल अपने अंदर रखता है। ऐसे जातक की जुबान से जो निकलेगा वो सामने वाला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो बात हो गई लग्न की, जहां से जातक काम निकलवा लेने में माहिर हो जाएगा। अब बात करेंगे, क्या ऐसे में जातक का फिर भाग्य भी साथ देगा या नहीं, या सिर्फ ये बातों तक रह जाएगा, या ऐसे जातक को किसी दूसरे के अंडर जाके नौकरी करनी पड़ेगी या पार्टनरशिप में व्यापार करना पड़ेगा, या फिर ऐसा जातक सारी जिंदगी नौकरी में ही बिताएगा, इससे ये भी निर्धारित किया जाएगा। इसीलिए भाग्य स्थान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली के नौवे भाव के अंदर जो राशि पड़ती हो, उस राशि के मालिक जो भी ग्रह हैं, अगर वो केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 में विराजमान हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से उनके पापी या दुश्मन ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, उच्च भाव के अंदर बैठे हों, साथ ही साथ वो उच्च राशि में बैठे हों, तो ऐसा जातक वाकई में बहुत बिरला होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, उसको गृहस्थी का सुख अच्छा मिलता है, उसको धन का सुख बहुत अच्छा मिलता है, उसको परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा जातक अपने काम निकलवाने के लिए हर किसी को इस्तेमाल यानी कि हर किसी को अपना बना लेने के गुण रखता है। ऐसा जातक कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। कहावत है, शाम दाम दंड भेद, इन सारे नीतियों का इस्तेमाल करके ऐसा जातक स्वयं भी सुखी रहता है और अपने से जुड़े लोगों को भी सुखी रखता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या ये योग है? अगर नहीं भी है तो आप घबराइए मत, आप अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। नीचे ईमेल एड्रेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके मुझे मेल कर दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उसका स्पेसिफिक अच्छा सॉल्यूशन दूंगा यहीं पर, ताकि
आप सुखी हो सकें। आप सब मुझे जब इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी वीडियो। तो अब आप अपनी बर्थ डिटेल मुझे भेज दीजिए और आगे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग, या फिर जो उन्होंने आज तक हासिल किया है उसके आधार पर उनको सफलता नहीं मिल रही है, उनको कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि उनको भी सफलता का सुख अवश्य मिले। सबसे पहले मेरे भाई बहन या जो भी मेरे बड़े ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली का पांचवा घर शिक्षा का होता है, जो बेसिक शिक्षा होती है, चौथा और पांचवा घर। लेकिन नौवें घर से हम बृहस्पति देव यानी उच्च शिक्षा और डिग्री को देखते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण ना हो, सूर्य ग्रहण ना हो, और बृहस्पति देव अपने किसी भी शत्रु ग्रह के साथ ना बैठे हो, पहले ये निर्धारित कर लीजिए। इसके बाद आप इन तीन ग्रहों के उपाय कर लीजिए। मैं आपको आम उपाय दे रहा हूं जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं। सबसे पहले चौथे भाव के मालिक होते हैं चंद्रदेव। अगर वो किसी भी दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हैं, पापी ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सिम्टम से भी मिला करके उपाय कर सकते हैं। आप मेरी आई बटन पे चले जाइए, चंद्रमा के लक्षण पर आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने लक्षण भी दिए हैं, आप लक्षण के आधार पर भी उपाय कर सकते हैं। सूर्य की भी आप वीडियो देख लीजिए, वो भी मैं यहाँ आई बटन पे दे रहा हूँ, और साथ साथ बृहस्पति की भी देख लीजिए, वो भी मैं आई बटन पर दे रहा हूँ। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा का जो कॉमन उपाय है वो ये है कि घर के अंदर आप उत्तर दिशा में एक फाउंटेन जरूर लगा लीजिए, छोटा सा। ध्यान रखिएगा वो पहाड़ों वाला ना हो विशेष तौर पर, ठीक है। नंबर दो चीज, आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर नीले रंग की बॉटल के अंदर मनी प्लांट या कोई भी इंडोर प्लांट डाल करके आप अपने घर में रख लीजिए। दो उपाय हो गए। साथ ही साथ आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर किसी भी तरह का कबाड़ ना रखें, और घर के अंदर चांदी और चावल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करते रहें। लेकिन ध्यान रखिए, पाइप वाले कोई भी बर्तन आप घर में इकट्ठा ना करें जो सुराही की तरह हो। नंबर चार उपाय जो और भी ज़्यादा खास है, घर के अंदर आप जो चांदी या चावल इकट्ठा कर रहे हैं, इसको समय समय पर चेक करते रहिए। जब ये खराब हो जाए तो इसको साफ करके वापस से स्टोर करके रख लीजिए, इसको कभी फेंके नहीं, ना इसको खराब होने दें, ठीक है। अब बात करेंगे हम सूर्य देव की। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, वो सूर्य ग्रहण के उपाय पहले कर लें। विशेष तौर पर सूर्य तभी अपना खराब परिणाम देते हैं जब सूर्य को ग्रहण लगा हुआ हो, और ज़्यादातर जब सूर्य शुक्र का, सूर्य शनि का, सूर्य राहु का, सूर्य केतु का, इन्हीं योगों के अंदर सूर्य के अक्सर कम रिजल्ट मिल पाते हैं। तो इसके लिए आप मेरी सूर्य वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें उपाय दिए हैं। अब अगली चीज बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव के लिए सबसे पहले तो घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करें। रोजाना आप जितना भी हो सके गायों के लिए आप अपने घर से भोजन का निवाला या घर की पहली रोटी अवश्य निकालें। मंदिर जा करके जो भी वहाँ पर बुजुर्ग पंडित जी हों, उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लीजिए, और उनको पीली वस्तुएं दे करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। यह हो गए उपाय। अगला उपाय, केसर या हल्दी का तिलक रोजाना अपनी नाभि पर, जीभ पर और अपने माथे पर अवश्य लगाएं। कोशिश करें गले में पीला धागा या सोने की चेन जरूर पहनें। इससे आपको आराम अवश्य आएगा, और जब भी शुक्ल पक्ष में बृहस्पति वार पड़े, अक्सर होते ही हैं, तो आप उस दिन पीले कपड़े में पीली चीजें डाल करके आप मंदिर में रख करके आए। इससे आपके बृहस्पति देव अच्छे होने लग जाएंगे। अब ये उपाय ध्यान रखिएगा, एक दिन में एक उपाय करने, दो नहीं करने। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति, आपकी जन्म कुंडली के अंदर धन प्राप्ति, या आपके टैलेंट की जो कमी है उसकी वजह से आपको जो सफलता पाने में रुकावटें हो रही हैं, इन सब का सोल्यूशन आपको अवश्य मिल सकता है।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अपनी बर्थ डिटेल देना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं किसी काम आ सकूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जय माता दी।